हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है YT स्टूडियो में, जिसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ये थंबनेल का मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूं यहां पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से वो वीडियो भी देख लीजिए। उसके मेल के बारे में बता दिया था कि यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई थी जो कि हमें 10 जुलाई से पहले पहले एक्सेप्ट करनी थी, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है हमारे YT स्टूडियो में वो आज आ चुका है। सुबह सुबह मैंने देखा तो YT स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन आ चुका था, तो मैंने सोचा आपको उसके ऊपर एक डिटेली वीडियो बना दूं कि उस सबको कैसे आपको एक्सेप्ट करना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो उसमें यूट्यूब ने साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका अगर 10 जुलाई तक से पहले पहले आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका जो चैनल है वो डिमोनिटाइज कर दिया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है जिससे कि आपका चैनल मोनिटाइज रहे, डिमोनिटाइज ना हो। तो बिना कोई देरी के चलिए मैं एक मोबाइल ले लाता हूं हाथ में, जिसे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। यहां साइड में आपको दिखेगा, देखिए जैसे हमने मोबाइल उठाएंगे ना हम लोग शुरू में, तो सभी की YT स्टूडियो में एक ही आया हुआ है, इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है ऊपर में रिव्यू एंड एक्सेप्ट। इसमें शुरू में डिसमिस भी लिखा है, तो डिसमिस नहीं करना है, गलती से भी डिसमिस मत कर दीजिएगा। इसको देखना है, रिव्यू एंड एक्सेप्ट पे जाना है। रिव्यू एंड एक्सेप्ट पे जब हम लोग क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। जैसे ही खुल गया है, इसमें ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस पर लिखा है व्हाट चेंजिंग, यानी कि क्या क्या इसमें चेंज होने वाला है। तो इस पर यूट्यूब ने दिया है वी आर अपडेटिंग द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स टू स्टे इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू नीड टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट द अपडेट टर्म्स बाय July 10, 2023 तक। यानी कि अगर आपको यूट्यूब मोनिटाइज रखना है आपका यूट्यूब चैनल, तो आपको उनकी ये टर्म्स कंडीशन माननी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आपका चैनल को डिमोनिटाइज कर दिया जाएगा, ये यूट्यूब ने इसमें एकदम क्लियरली बोल दिया है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना कैसे है, अगर आप अभी इसमें देख रहे होंगे नीचे में लिखा है Step 1, तो Step 1 में क्या है, बेस्ट टर्म, यानी कि बेस्ट टर्म का जो रिव्यू है हम लोग को वो देना है। जब हम इस पे नीले वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुलेगा। जैसे हमारे सामने पेज खुल गया, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहें तो जब हम इसको नीचे स्क्रोल करते जाएंगे तो हमें नीचे में मिलेगा कुछ इस प्रकार का, इस पर हमें टिक करना है, ये जो है ना आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स, अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है इस पे हमें टिक करके एक्सेप्ट कर देना है। तो जब हम इस पे टिक करके एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमारे सामने ये वापस से इस वाले पेज पे आ जाएगा। अब आप देख पाएंगे बेस्ट टाइम पर ग्रीन वाला क्लिक आ गया है, यानी कि ये हो चुका है। अब इसके अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जाना पड़ेगा जो हमारा वॉच पेज टर्म्स है, अब हमें इस पे जाना पड़ेगा क्योंकि वॉच पेज जो टर्म्स है हमें इसका भी रिव्यू देना है। और जब हम इस पे देखो वॉच टाइम पे जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा जैसे भी पीछे वाले का खुला था। तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म्स पे क्लिक करके और इसको एक्सेप्ट कर देना है। भूल के भी इसको डिक्लाइन नहीं करना है, ये आप खास करके ध्यान रखिएगा। जब हम एक्सेप्ट कर देंगे इसको, उसके बाद में हमारे सामने कुछ ये इस तरह से पेज आ गया। अब आप देखिए ये जो हमारा था वर्ड चेंजिंग, इसमें हमने दो इसका बेस्ट टर्म्स था पहले वाला, और Step 2 था वॉच पेज टर्म्स वाला। तो अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है सबमिट। अब जब हम इसको सबमिट कर देंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट फीड एड्स, यानी कि अगर आपको शॉर्ट वीडियो से अर्निंग करनी है तो आपको ये गो टर्न ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो डू इट लेटर। हालांकि जो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं वो लोग शॉर्ट भी कभी ना कभी बना ही लेते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है खाली लॉन्ग बना रहे हैं तो कभी कभी शॉर्ट बना लेते हैं, तो उन लोगों को इसको भी अभी कर लेना चाहिए। और जो खाली शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट ही बनाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको तो ये करना ही करना पड़ेगा। तो अगर हम चले जाते हैं गो टर्न ऑन पे, हम जाना पड़ेगा हम लोग को। तो जब हम गो टर्न ऑन पे जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा, इरन फ्रॉम एड एंड यूट्यूब प्रीमियम इन द शॉर्ट फीड से। हम लोग को जो पैसा कमाना है, जो पैसे की रिवेन्यू शेयर होगी हमारी, जो 45% यूट्यूब लेगा, इसमें उसके बारे में डिटेल में बताया। तो अब हमको जाना पड़ेगा इसमें टर्न ऑन करना पड़ेगा इसमें। तो जब हम टर्न ऑन करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, जैसे दिस शॉर्ट मोनिटाइजेशन मॉडल, तो इस तरह से ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब ने एक एक चीज लिखी हुई है, लेकिन मेन बात वही है कि इसको एक्सेप्ट करने के लिए सेम इसका भी वही प्रोसेस है कि आप इसमें नीचे में जो एक बॉक्स दिया गया है उसमें जाके क्लिक कर देंगे नीचे में, और जो क्लिक हो जाएगा, जब क्लिक कर देंगे आप इसको, तो फिर वापस से इस तरह का आपका एक पेज खुल जाएगा।
अब जब आपका ये पेज खुलेगा तो इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, अब आगे से जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें आ गया यूर अ यूट्यूब पार्टनर, यानी कि हेलो टेक्निकल मिर्जा, जैसे कि मेरा चैनल है ना हेलो टेक्निकल मिर्जा ग्रुप, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर वाई टू एन। वॉच पेज एड्स एक्टिव हो गया है मेरा, जैसे आप देख पा रहे होंगे वॉच पेज एड्स के आगे लिखा हुआ है एक्टिव। उसके बाद में अगर आप देखेंगे शॉर्ट फीड एड्स, इसके आगे भी आगे लिखा गया है आगे एक्टिव। तो इसमें क्या है, आप नीचे अगर पढ़ेंगे इसको आ रहा है एन फर्म्स एड एंड यूट्यूब प्रेमिंग ऑन द वॉच पेज, यानी कि हम लोग जो वॉच उससे है लॉन्ग वाली वीडियो उससे हम कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका शॉर्ट वाला इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में क्या है जो मेंबरशिप है, क्रिएट अ फैन फैन क्लब ऑफ मेंबरशिप पेइंग मंथली ऑफ एक्सेस टू एक्सक्लूसिव पर्क्स है ये। इसके बाद क्या होगा, जब हम ये मेंबरशिप लेंगे तो हम किसी भी बड़े यूट्यूबर के साथ में मेंबरशिप ले सकते हैं। अब उसके बाद ये मेरा ऑन नहीं है, ना ही मुझे इसको ऑन करना है, लेकिन उसके बाद अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा नीचे जो शॉपिंग वाला है, उससे पहले आपको दिखेगा सुपर चैट। जो सुपर चैट है अगर हमको वो भी ऑन करना है तो हम वो कर सकते हैं। मेरा हालांकि एक्टिव ही है, मेरा सुपर चैट जो है वो एक्टिव दिखा दे रहा होगा आपको। इंगेज, जैसे आप देख पा रहे होंगे सुपर्स मेरा एक्टिव है, लेकिन उसके बाद जो शॉपिंग वाला है इसको मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया है, मैंने नहीं किया है इसका कुछ भी। तो अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जब हम इसको एक्टिव कर देंगे तो देखिए ये आ गया, ज्वाइन अदर सक्सेसफुल क्रिएटर्स वो एंड मंथली रिवेन्यू एंड विद मेंबरशिप। अगर हम मेंबरशिप लेते हैं तो ये उसकी डिटेल दे दी गई है जो कि हम लोग को नहीं लेनी है अभी। अब आगे अगर हमने इसका बारे में पढ़ा आगे जाके थोड़ा सा, और जैसे हेल्प सेंटर पे हम गए तो चैनल मेंबरशिप के बारे में उन्होंने दिखा दिया पूरा, तो ये सब इसकी जो डिटेल है मैंने बाद में डिटेल इसकी देखी तो ये इसके सब वो है। लेकिन हम लोग को जो करना था सिर्फ वो मेन वही था जो मैंने आपको बताया फर्स्ट में, जो बॉक्स में हम लोगों ने क्लिक कर करके एक्सेप्ट किया हम लोगों को। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि हम लोग को करना क्या है। देखो मैं दोबारा से आपको इस वीडियो में वही ले जाता हूँ शुरू में कि हमने करना क्या क्या है, आप एक दफा और अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ हमको काम सिर्फ ये करना है, स्टेप वन में जो बेस टर्म्स है इसको रिव्यू करना है, एक्सेप्ट कर देना है बॉक्स पे क्लिक टिक करने के बाद में, फिर वॉच पेज टर्म्स जो है हमें इसको कर देना है। खाली हम लोग को ये दो काम ही करने हैं, उसके बाद में जैसे मैंने बताया आपका शॉर्ट के लिए वो कर सकते हैं, ये वाला जो आ गया स्टार्टिंग एनिंग फ्रॉम शॉर्ट फीड एड्स, आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये करना चाहिए, इसी से हम लोग को ज़्यादा इनकम होगी शॉर्ट पे। तो सिर्फ हम लोग को इसमें इतना ही काम करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए टर्न ऑन कर लेना है अगर आपको ये सब करना है तो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने आपको बताया खाली आप वो दो चीज़ें एक्सेप्ट कर लीजिए इसकी, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी आप वापस से बाहर आ जाइए अपने चैनल पे, तो आप बाहर आके देखेंगे तो आपका चैनल नॉर्मली आपको पहले जैसा ही हो जाएगा, जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ YT स्टूडियो में वो चला जाएगा क्योंकि उसका जो काम था वो खत्म कर दिया अब आपने। तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है गाइस। तो आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने चैनल पे जो उनका नोटिफिकेशन आया होगा उसको अच्छे से फिलअप कर पाएं। इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है कुछ भी, बहुत ही नॉर्मली सा है। मैंने जैसे परसों भी वीडियो में बताया था कि YouTube जो भी भेजेगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से भेजेगा, खाली हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वही YouTube ने किया है कि खाली रिव्यू करके एक्सेप्ट करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गई हो, अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह टॉपिक में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और हाँ, अगर आपको कोई भी इस तरह की में इस चीज में कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको कि आपसे ये नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात, ये नहीं है कि जो इनके चैनल मोनेटाइज है उन्हीं के पास नोटिफिकेशन आया है, जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं भी है ये उन पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है। और ये भी नहीं कि ये आज ही सब पे आ गया है, क्योंकि दो तीन दिन से चल रहा है, कुछ के पास कल आया, कुछ के पास आ जाएगा, कुछ के पास कल आएगा, इस तरह से ये इस वाले वीक में ये सारे यूट्यूबर्स के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक के, जब तक के लिए जय हिंद।